हाय गाइस, आपका स्वागत है टीन जी रिव्यूज में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक न्यू हाई सेलिंग फोन की, MI Mix 2 की। इसके अंदर आपको एक न्यू लुक मिल रही है जिसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आइए जल्दी से खोलते हैं इस बॉक्स को और नजर डालते हैं इसकी न्यू लुक पे और न्यू फीचर्स पे। सो गाइस, ये हमारा डिवाइस जो कि ब्लैक कलर में है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारी यूएसबी टाइप सी, ये हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि एक क्विक चार्जर है, ये है इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा टाइप सी टू 3.5 mm हेडफोन अडैप्टर और ये हमारी इजेक्शन पिन। और इसके साथ हमें मिल रहा है एक बैक कवर जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अब इस डिवाइस के डिजाइन की बात करें तो ये देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। इसके अंदर आपको 4-sided कर्व सिरेमिक प्लेट मिल रही है, उसके साथ एल्यूमिनियम फ्रेम। इस डिवाइस का वेट 185 ग्राम्स है और ये 7.7 mm थिक है। इसके कॉर्नर्स एकदम राउंडेड है, इसकी फिट एंड फिनिश बहुत ही बढ़िया है और आप इसको इजिली एक हाथ में होल्ड कर सकते हैं। लुक्स में इसका बेस्ट फीचर ये है कि इसके बैक साइड में 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड कैमरा रिम मिल रहा है आपको, जो बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं इसके डिजाइन एंड लुक के बारे में बोलूं तो मुझे ये फोन बहुत ही पसंद आया है। आइए डिवाइस को ऑन करते हैं। डिवाइस को ऑन करते हुए आप देख सकते हैं इसके अंदर 5.99 इंच की IPS LCD स्क्रीन दी गई है, जिसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिल रहा है 403 PPI के साथ। इसके अंदर आपको 18:9 की फुल व्यू स्क्रीन मिल रही है और साथ ही इसकी बेजल्स बहुत ही कम है, जिससे आपका ये फुल व्यू स्क्रीन बनती है। इसके अंदर आपको सनलाइट डिस्प्ले, नाइट डिस्प्ले, रीडिंग मोड, कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं। ये स्क्रीन काफी ब्राइट है और इसके कलर्स भी बहुत वाइब्रेंट है। ये डिवाइस आपका रन करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा कोर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर आपको एडिनो 540 के ग्राफिक्स मिल रहे हैं। ये काफी लेटेस्ट प्रोसेसर है और उसके साथ इसके ग्राफिक्स भी बहुत बढ़िया है। आप इस डिवाइस को गेमिंग के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है, लेकिन आप इसकी मेमोरी को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको 3400 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 9V पर 2A वाला क्विक चार्जर मिल रहा है। इस डिवाइस के अंदर अलग बात यह है कि इसका जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो स्क्रीन के नीचे की तरफ। आपको इसके अंदर सेल्फीज लेने के लिए डिवाइस को 180 डिग्री पर रोटेट करना होगा। ये कैमरा 5 MP का है, जिसके अंदर आपको 36 स्मार्ट ब्यूटी प्रोफाइल्स मिल रही हैं। इसके हमने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करी है, जिसमें हम वीडियो के एंड में नजर डालेंगे। डिवाइस के नीचे की साइड हमारे पास स्पीकर्स हैं, उसके साथ USB पोर्ट और उसके साथ माइक और एक्टिव वॉइस कैंसिलेशन माइक। डिवाइस के लेफ्ट साइड में हमारे पास सिम ट्रे है, जिसके अंदर आप डुअल सिम्स डाल सकते हैं। डिवाइस के ऊपर की साइड हमारे पास एक और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक है और डिवाइस की लेफ्ट साइड में हमारे पास पावर बटन है, उसके साथ वॉल्यूम रॉकर्स। बैक साइड में हमारे पास मेन कैमरा है जो कि 12 MP का है, जिसका F2 है, उसके साथ डुअल टोन LED फ्लैश और उसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर। इसके कैमरा के अंदर आपको फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, लो लाइट एनहांसमेंट, HDR मोड, पेनोरमा शॉट, बर्स्ट मोड और 4-axis ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स मिल रहे हैं। आइए इसके कुछ पिक्स पे नजर डालते हैं। सो ओवरऑल अगर इस डिवाइस की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस लग रहा है मुझे और ये आपको 36,000 रुपए में अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो आपको 36,000 रुपए में एक ग्रेट लुक, ग्रेट प्रोसेसर, इन्फिनिटी फुल व्यू स्क्रीन, 6GB रैम और एक बढ़िया कैमरा मिल रहा है। सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से लुक और फीचर्स में दोनों में ही ये फोन बहुत ही बढ़िया है। हम जल्द इसका कंप्लीट रिव्यू बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट करें लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।